नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। नए हफ्ते में नई खबरों के साथ हाजिर हूं, लेकर 24 घंटे 24 रिपोर्टर। न्यूज इंडस्ट्री का एक लौता ऐसा शो जिसमें देश दुनिया की हर खबर होती है कवर। बुलेटिन शुरू करने से पहले दिखाते हैं आज आपके लिए क्या है खास। कोलकाता में निर्भया जैसे हत्याकांड की जांच कहां तक पहुंची, क्या सीबीआई को सौंपा जाएगा केस, अजातिका से जानेंगे। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट का भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर रहा, कांग्रेस की मांग क्या है बताएंगे अंकित गुप्ता। अपना ही इतिहास मिटाने पर क्यों तुला है बांग्लादेश, आज हिंदुओं ने कहां प्रदर्शन किया, श्रीनिवास के पास डिटेल्स मौजूद हैं। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का डी फैक्टर क्या है, जैनेन्द्र कुमार बताएंगे। लेकिन पहले आज की सबसे बड़ी खबर। देश भर में 3 लाख से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की। सवाल ये है कि क्या सरकार मांग मानेगी। दिल्ली से लेकर देहरादून और पटना से प्रयागराज तक एक जैसी तस्वीरें थी। अस्पताल में मरीजों को तीमारदारों के भरोसे छोड़ रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर नारे लगाते रहे। We all doctors are standing for her. ये नेशनल इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। हमारे कलीग के साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं होगी। दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, कलावती अस्पताल, राम मनोहर लोहिया, जीबी पंत, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं, इलेक्टिव सर्जरी और लैब की सर्विस बंद रही। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के गेट पर रेजिडेंट डॉक्टर ने प्रदर्शन किया, फिर बैनर के साथ मार्च निकाला। पटना के पीएमसीएच में भी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। रायबरेली से रांची और मुंबई से हैदराबाद तक आक्रोश की आवाज बुलंद होती रही। डॉक्टर कहते हैं कि तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक सीबीआई से जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती। हम लोग की डिमांड है कि इस केस को तुरंत से तुरंत इन्वेस्टिगेट करके सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए। 3 लोगों ने ये काम किया है, ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि वारदात की सीबीआई जांच के साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। देश भर में करीब 24,000 सरकारी अस्पताल हैं, 3 लाख से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हैं। ज्यादातर बड़े अस्पतालों में हड़ताल का असर दिखा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का असर भी दिखा। हड़ताल की वजह से मरीजों को दिक्कत हुई, तीमारदार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे। एसएसबी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डेट ले रखी थी हमने, 3 महीने पहले डेट ले रखी थी, उसके बाद फिर डेट दी उन्होंने 10 दिन की। ये मोहन जी हैं, बेटे के गले में गांठ है। 3 महीने बाद सफदरजंग अस्पताल में नंबर आया था, इसलिए पत्नी के साथ बेटे को दिखाने अस्पताल आए थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, इलाज नहीं हो पाया। एंडोकोलॉजी डिपार्टमेंट से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, परेशानी होगी, स्टडी वगैरह बच्चे की, उसपे प्रभाव पड़ेगा। एब्सेंट लग जाएगी तो उसके अटेंडेंस पे प्रभाव पड़ेगा। मोहन और अनीता जी की तरह ही संतोष का भी दर्द है। कोई नहीं देख रहा जी, हमने हो गया 1 हफ्ता यहाँ बैठे ने, और हमने मेरी बेटी एडमिट है यहाँ पे, और हमने डॉक्टर की जरूरत थी वो मिल नहीं रहा। बेटे के दिल में छेद है, 1 हफ्ते से इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बोला कि मरीज को खून की जरूरत है, तो परिवार ने 5 यूनिट खून का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन हड़ताल की वजह से अस्पताल में खून नहीं चढ़ पाया। वो हमारी स्लिप भी बनी हुई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर डॉक्टरों के बिना कुछ नहीं है, कि डॉक्टर तो है ही नहीं है तो आपका कोई काम नहीं है। उन्हें हार्ट, उनके दिल में छेद है, तो उसके लिए हमें डोनेट करना है। अस्पतालों में ओपीडी, लैबोरेटरी से लेकर रेडिएशन तक का जिम्मा रेजिडेंट डॉक्टर्स के हवाले होता है। हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवाएं, इलेक्टिव सर्जरी और लैब की सर्विसेज बंद रही। एक तरफ डॉक्टरों का आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ आर्चिकॉट मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो प्रिंसिपल संदीप घोष, उन्होंने उनका रेजिग्नेशन दे दिया। उनका मानना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट में और सोशल मीडिया में उनका बेइज्जती हो रहा है। निर्भया जैसी वारदात के बाद से ही कोलकाता उबल रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ तो दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में आम लोग भी सड़कों पर उतर आए।
कोलकाता में निकाले गए मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस सब के बीच ममता बनर्जी ने तह तक तफ्तीश के लिए पुलिस को डेडलाइन दे दी है। ममता बनर्जी की सरकार मामले को लेकर SIT बना चुकी है, लेकिन डॉक्टरों को CBI जांच से कम मंजूर है। BJP भी यही चाहती है और मुख्यमंत्री को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इसको आप CBI के हाथ में दे दीजिए। ये कोलकाता पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगे, CID कुछ नहीं कर पाएंगे। वारदात वाकई दिल दहलाने वाली है। देश में सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता। NCRB का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2021 से 2022 तक इस शहर में सबसे कम अपराध हुआ। अदानी और सेबी चेयरपर्सन को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का शेयर मार्केट पर कोई असर नहीं। अदानी ग्रुप के शेयर गिरे लेकिन बाजार संभल रहा। इंडिया को लेकर जल्द ही कुछ बड़ा अमेरिका फर्म हिंडनबर्ग ने इस ट्वीट के बाद फिर एक बार कयास लगाए जा रहे थे, क्या खुलासे का असर बाजार पर पड़ेगा, क्या निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब जाएंगे, क्या अदानी ग्रुप के शेयर्स औंधे मुंह पर जमीन पर आ जाएंगे। इन सारी आशंकाओं का अदानी ग्रुप और सेबी चीफ की सफाई के बीच जब बाजार खुला तो शुरुआत में झटका लगा। अचानक से अदानी ग्रुप के कई शेयर रेड जोन पे दिखाई देने लगे। कोई शेयर 3% टूटा तो कोई 5% से, लेकिन बाद में रिकवर भी कर गए। इसके अलावा बाजार में बहुत ज्यादा उठक पटक नजर नहीं आई। BSE का सेंसेक्स 57 अंक से फिसल कर 79,649 पर बंद हुआ। वही NSE का निफ्टी 21 अंकों की गिरावट के साथ 24,347 स्तर पर बंद हुआ। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, मार्केट ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया है, निवेशकों के भरोसे बनाया रखा है, बाद में मार्केट ग्रीन लाइन पर आ गया। मार्केट को लग रहा है कि इसमें कोई तथ्य नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं कि इस रिपोर्ट को मार्केट्स ने डिस्काउंट और डिसमिस दोनों ही कर दिए। नई रिपोर्ट सामने आने के बाद अदानी ग्रुप की तरफ से अपनी सफाई दी गई है। ग्रुप का कहना है कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। अदानी ग्रुप का कहना यह भी है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। अडानी और हिंडनबर्ग का ये मामला नया नहीं है। पिछले वर्ष इसी अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार पर असर पड़ा था। अडानी को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। पहले वो दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में शुमार थे, लेकिन बाद में रैंकिंग नीचे होती चली गई। हालांकि इस बीच मामले की गूंज देश में सुनाई दी, विपक्ष ने आरोप लगाए तो सरकार ने जांच बैठा दी। जनवरी 2024 में सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की, आरोप खारिज कर दिए गए, लेकिन इस बार मामला डायरेक्ट सेबी चेयरमैन और उनके पति से जुड़ा है। रिपोर्ट कहती है सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति दोनों की ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। सेबी को अडानी संबंधित निवेश फंड की जांच का जिम्मा दिया गया था, जिसमें माधवी के व्यक्तिगत निवेश वाले फंड भी शामिल थे। रिपोर्ट में सवाल है कि ये हितों का बड़े टकराव का साफ मामला बनता है। सेबी ने रविवार को कहा कि अडानी समूह के खिलाफ सभी आरोपों की जांच की है। चेयरपर्सन माधवी बुच ने समय समय पर सभी खुलासे किए हैं। उन्होंने हितों से संबंधित टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग किया है। सेबी चीफ के बयान पर हिंडनबर्ग ने देर रात कई ट्वीट किए, कहा हमारी रिपोर्ट पर माधवी बुच की प्रतिक्रिया से कई नए सवाल खड़े होते हैं। बुच का बयान विनोद अडानी द्वारा कथित तौर पर निकाले गए पैसे के साथ साथ एक अनक्लियर फंड स्ट्रक्चर में उनके निवेश की पुष्टि करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंडनबर्ग ने कांग्रेस के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए इस अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी पर लगाए गंभीर आरोप। इसको लेकर देश में शुरू हुई सियासत, BJP और कांग्रेस में शुरू हुआ वार पलटवार का सिलसिला। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पर सेबी चीफ माधवी पुरी बुच का रिएक्शन आया। ईमेल जारी की गई, कहा चरित्र हनन की कोशिश की गई। इसी ईमेल को आधार बनाकर एक बार फिर हिंडनबर्ग ने नोट्स जारी किए। बस यहीं से कांग्रेस और BJP के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो गए, यानी एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की मिसाइलें दिन भर दागी गई। सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करे। BJP के इल्जामों पर कांग्रेस का शार्प रिएक्शन आया।
कांग्रेस ने कहा कि मामला हिंडनबर्ग और सेबी के बीच का है, अडानी की फर्म की बात है, तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? यहाँ वहाँ की बात करने से तो काम नहीं चलेगा। बिंदुवार तथ्यों के आधार पर कुछ आरोप लगे हैं, उनका जवाब बिंदुवार तथ्यों के आधार पर दीजिए। कल ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने पूछा था कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी सेबी प्रमुख ने अब तक अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि क्या कोर्ट अब इस मामले पर संज्ञान लेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रोटेस्ट आज भी जारी रहा। बड़ी संख्या में कई जिलों में हिंदू सड़क पर उतर आए। उनकी मांग थी कि उनके साथ इंसाफ हो और दंगाइयों को सजा मिले। 11 अगस्त की इन तस्वीरों ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब अत्याचार की अति हो जाती है तो फिर जुल्म करने वालों के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है। 5 अगस्त को छात्रों ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया था। अब बांग्लादेश के लाखों हिंदू अपनी सुरक्षा के मद्देनजर अंतरिम सरकार से आश्वासन चाहते हैं। आज भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। एक हैंडल से दावा किया गया ये वीडियो बांग्लादेश के गोपालगंज का है, जहां हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और अपनी बहन बेटियों के साथ मान सम्मान को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई। उत्तरी बांग्लादेश के रंगपुर में भी हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने खुद के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसके अलावा नरैल इलाके में भी प्रदर्शन का दायरा बढ़ता हुआ नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया और स्थानीय प्रशासन से कहा उनकी सिक्योरिटी चाक चौबंद की जाए। कुछ दिन पहले जिस तरह आर्मी को इलाके में लगाया गया था, उसी तरह के कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश में 5 से 7 अगस्त को हुई हिंसा में कई हिंदू मारे गए थे। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदू समुदाय पर हमले से जुड़ी 205 घटनाएं दर्ज की गई हैं। बांग्लादेश में पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। आप सोचिए जरा, पुलिस वाले ही हड़ताल पर चले गए थे। अंतरिम सरकार से भरोसा मिलने के बाद अब ये पुलिस वाले हड़ताल से वापस लौटने को तैयार हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरी दुनिया में प्रदर्शन। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हिंदू समुदाय के लोग बाहर निकले, बांग्लादेश सरकार से दंगाइयों के खिलाफ सख्ती बरतने की अपील की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह जुल्म किए, उसे लेकर पूरी दुनिया में प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका था। खासतौर से अलग अलग मुल्कों में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग अपने बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों के सपोर्ट में खुलकर आ गए। तस्वीरें अमेरिका के मिशिगन इलाके की हैं, जहां भारतवंशियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली। ये सब लोग पोस्टर बैनर लेकर आए थे। इसी तरह अमेरिका के बे एरिया में भी कई लोग इकट्ठा हुए, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं को इंसाफ दिया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए, इसे लेकर बांग्लादेश सरकार से अपील भी की। इससे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऑफिशियल रेजिडेंट व्हाइट हाउस के बाहर भी लोग इकट्ठा हुए और बांग्लादेश के खिलाफ एट्रोसिटी पर चिंता जाहिर की। बड़े से पोस्टर के जरिए अपना विरोध दर्ज करवाया। ब्रिटेन में भी रविवार को कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सबका कहना था कि हिंदू आबादी को बिना किसी डर के रहने दिया जाए। जिसके साथ हिंसा हुई, उन्हें बांग्लादेश की सरकार से कंपनसेशन मिले, रहने को नया घर दिया जाए। कुछ लोगों ने बीबीसी के दफ्तर का घेराव भी किया। ऐसी ही तस्वीरें स्वीडन से लेकर टोरंटो और मेलबर्न तक दिखाई दी। हिंदू कम्युनिटी के लोग स्टूडेंट्स बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से ज्यादती के खिलाफ खुलकर बोले। टोरंटो में लोगों ने कनाडा सरकार से कहा कि वो बांग्लादेश की सरकार पर दबाव डाले, ताकि वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बचाया जा सके। शेख हसीना के बेटे पहले ही कह चुके हैं कि इन घटनाओं के पीछे ISI और दूसरी विदेशी ताकतों का हाथ है। कल हसीना ने भी कहा था कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया होता तो उनकी सरकार का तख्ता पलट नहीं होता। बांग्लादेश अपने इतिहास को मिटाने पर तुला हुआ है। बांग्लादेश से कथित तौर पर उन मूर्तियों को तोड़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो मुल्क के मुक्ति संग्राम से जुड़ी हैं। भारत के नेताओं ने पूछे यूनुस से कड़े सवाल। शेख हसीना को देश के बाहर निकालने के बाद भी उपद्रवी शांत नहीं हुए। हिंसक प्रदर्शनकारी देश को तबाह करने में लगे हैं। कभी हिंदुओं को निशाना बनाना, मंदिरों को तोड़ना, तो कभी देश को मिली आजादी की निशानी को खंडित करना। इसी कड़ी में बांग्लादेश से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया है कि मुजीबनगर में मौजूद 1971 शहीद मेमोरियल स्थल पर मौजूद मूर्तियों को तोड़ दिया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इस घटना पर चिंता जताई है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कानून और व्यवस्था बनाने की गुजारिश की है। थरूर बोले, भारत इस वक्त बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन इस तरह की अराजकता को कभी माफ नहीं किया जा सकता। बांग्लादेशियों को अपने ही आजादी की कद्र नहीं, जिस स्मारक को तोड़ा गया बताया जा रहा है वो भारत मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाज़ी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। तब भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इस स्मारक में उसी छवि को दर्शाया गया था। इस बीच बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अपने ऊपर लगे मुकदमों को हटाने में लगे हुए हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख को एक करप्शन के केस में बरी कर दिया गया है। 3 दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की कुर्सी संभाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सिक्योरिटी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए एक्टिव। देर रात की हाई लेवल मीटिंग। देश भर में बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में हो रहे हैं प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के अलावा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर वाराणसी में कचहरी परिसर के बाहर विरोध जताया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में वकीलों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये अब भारत को ठोस एक्शन लेना चाहिए, ये सब कुछ पाकिस्तान और अमेरिका की साजिश पर हो रहा है। भारत सरकार से मांग है कि हमें सशस्त्र बनाना होगा, कि विदेशी ताकतें जो भारत के उत्थान को नहीं देख पाएंगी वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरह के प्रदर्शन देश के अलग अलग इलाकों में देखे गए। यूपी के सहारनपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सर्व समाज के लोग सड़कों पर निकले। घंटा घर से कलेक्ट्रेट तक प्रोटेस्ट किया गया, अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी हो या यूपी का मथुरा, बीते 24 घंटे में साधु समाज के लोग भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के समर्थन में उतरे। अहमदाबाद में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने सरकार से दखल देने की अपील की। हमारा पड़ोसी देश है तो हमें तो इस पर विचार करना ही चाहिए। भारत सरकार इस पर जरूर कोई निर्णय ले रहे होंगे। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई मीटिंग में भी बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा और संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले मौजूद थे। मध्य प्रदेश के गुना में पार्वती नदी उफान पर है, जिसके चलते गुना से राजस्थान जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर आवागमन बंद हो गया है। ये तवाई का शोर है। गुना में लगातार हो रही बारिश से पार्वती नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते पार्वती नदी पर बने कई पुल और पुलिया डूबने लगे हैं। नदी का पानी गुना कोटा स्टेट हाईवे पर बने पुल के ऊपर बह रहा है। आसपास के गांवों का संपर्क टूट गया है, तो वही स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी के तेज बहाव से गुजरने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने गुना, श्योपुर और शिवपुरी सहित कई जिलों में भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और प्रशासन ने सभी को अलर्ट रहने को भी कहा है। नदी के तेज बहाव से बचने की सलाह भी दी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पानी की तेज धार में बहने से बाल बाल बचे एक युवक। युवक पुल के ऊपर से बह रहे पानी को पार करने की कोशिश कर रहा था। बाइक पर सवार युवक तेज बहाव को चीर कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि बाइक आगे बढ़ने के बजाय पानी की धार में गिर गई। गनीमत रही युवक पानी के साथ नहीं बहा। मामला सूरजपुर के धरसेरी गांव का है। पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि युवक तमाम कोशिश करने के बाद भी न खुद संभल पाया न बाइक को दोबारा खड़ी कर पाया। इस बीच आसपास मौजूद कुछ लोगों ने उसकी मदद की। एक दूसरे का हाथ पकड़कर युवक और बाइक को पानी से बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ से होकर बहने वाली ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में रास्ते और पुल डूब गए हैं, जिसके चलते लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बहाव को पार करने को मजबूर हैं, जो जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। राजस्थान के गंगापुर सिटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, खेत सड़क डूबे। गंगापुर के नौगांव में बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ पानी है, बीच में नाव चल रही है। दरअसल शनिवार रात और रविवार को हुई भारी बारिश में पूरा गांव ही डूब गया।
तस्वीरें राजस्थान के गंगापुर के नौगांव की हैं। गांव में मौजूद पेड़, बिजली के खंभे देखकर अंदाजा लगाइए गांव के अंदर कितना पानी है। झोपड़ियों में पानी है, कच्चे हो या पक्के मकान, हर जगह सिर्फ पानी है। ऐसे में अब नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बारिश ने राजस्थान के कई जिलों में परेशानी बढ़ा दी है। गंगापुर सिटी समेत राजस्थान के 6 जिलों में स्कूलों को बंद करना पड़ा, वहीं प्रशासन अलर्ट पर है। टेक सिटी बैंगलोर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें पानी से लबालब भर गईं, जिससे लंबा जाम लग गया। सड़कों पर इतना पानी कि गाड़ियों के पहिए डूब गए, कहीं ऑटो फंस गया तो कहीं लगा लंबा जाम। जल भराव होने से कई गाड़ियां बंद हो गईं और लोग वाहनों को धक्का लगाकर ले जाते हुए देखे गए। इधर बैंगलोर के नागवारा जंक्शन और हेब्बाल के बीच आउटर रिंग रोड पर भी जल भराव होने से ट्रैफिक की रफ्तार स्लो हो गई। हेब्बाल, मराठा हल्ली, कार्तिक नगर, कल्याण नगर समेत बैंगलोर के कई इलाकों में जल भराव की खबर है। बैंगलोर में तड़के 2:30 बजे बारिश शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही। मौसम विभाग की माने तो करीब 7 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश ने शहर के हालात बिगाड़ दिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट रोका गया है। जनता के सुझावों के आधार पर यह फैसला लिया गया। अब बिल का नया ड्राफ्ट तैयार होगा। सुझावों के लिए 15 अक्टूबर तक वक्त दिया गया है। तो जनता के जो सुझाव आए थे, उन सुझावों के आधार पर ही इस बिल को रोका गया है। ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 जिसका ड्राफ्ट रोक दिया गया है, जनता के सुझाव इस पर आए थे और उसी के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब उन्हीं सुझावों के आधार पर बिल का नया ड्राफ्ट तैयार होगा। फिरोजाबाद में हाईवे पर एसयूवी कार चालक ने राहगीरों को खौफजदा किया। एसयूवी के नीचे एक स्कूटी फंस गई थी, जिसे एसयूवी चालक ने 15 किलोमीटर तक घसीटा। सफेद रंग की एसयूवी हाईवे पर फुल स्पीड में दौड़ रही है। कार के नीचे से चिंगारी निकल रही है। एसयूवी के पीछे चल रहे बाइक सवार पीछा कर रहे हैं। कार को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन एसयूवी फिर भी नहीं रुकती और एसयूवी चालक किसी तरह 15 किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटता रहा। गनीमत रही जब स्कूटी एसयूवी में फंसी, स्कूटी सवार दूर जा गिरा। तस्वीर फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके की है। घटना की सूचना पुलिस को मिली तो 3 जिलों की पुलिस ने एक साथ स्कूटी को घसीट रही एसयूवी का पीछा किया। रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई गई, तब कहीं जाकर फुल स्पीड में दौड़ रही एसयूवी को रोका जा सका। कार में सवार 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी नशे की हालत में थे, जिनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी TRE3 के शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज, सड़क पर पुलिस से उलझे अभ्यर्थी। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे हजारों युवकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीपीएससी TRE3 शिक्षक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोका तो नोकझोंक शुरू हो गई। रोकने पर भी जब ये अभ्यर्थी नहीं रुके तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थियों को चोट लगी है। ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है, फर्जीवाड़ा हो रहा है सर, हम लोग बाहर हो जा रहे हैं सर। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति फिर से लागू की जाए, साथ ही रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की जाए। साथ ही ये अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन को कोई जिम्मेदारी नहीं दिए जाने की मांग भी कर रहे थे। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर हजारों अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे, तभी सचिवालय के पास पुलिस ने उन्हें रोका और फिर हंगामा हुआ। लाठीचार्ज के बाद भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन फिर बेली रोड पे जुटे शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। सागर में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। सागर में प्रदर्शन के दौरान हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी का जोरदार प्रहार हुआ। सागर में स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़क पर उतरे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता सागर कलेक्टर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़कर हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वाटर गैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस एक ऐसा विचार है जो लड़ता है, न डरा है न डरेगा। चुनाव में हार जीत हुई, लोकतंत्र में जो जीता हो सिकंदर, पर इस तरह की तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस का अगला प्रदर्शन 16 अगस्त को उज्जैन में होगा। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह जिला है। यहां पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। राजस्थान में एक आर्मी जवान पर पुलिस कार्रवाई से कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का पारा हाई हो गया। राठौड़ ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस अफसरों को लताड़ लगाई। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे बताइए। तस्वीरें जयपुर के शिप्रापत थाने की है और मामला एक दिन पहले हुई हुक्का बार पर कार्रवाई से जुड़ा है। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस कर्मियों ने आर्मी जवान के साथ मारपीट की, उसे हिरासत में लिया, जिस पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का पारा चढ़ गया। वो खुद शिप्रापत थाने पहुंचे और ACP मानसरोवर संजय शर्मा की जमकर क्लास लगा दी। गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई, इजी कंटेस्टिंग ये कंटेस्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ बहुत धैर्य से कर रहा हूँ, बट संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं कि जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करेंगे तो सावधान में खड़े रहेंगे, और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाइए। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस मामले में राजस्थान के DGP और पुलिस कमिश्नर से बात कर जाँच के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बड़ी सियासी गर्मी। फारूक ने कहा आतंकियों की घुसपैठ की होनी चाहिए जांच। फारूक अब्दुल्ला किश्तवाड़ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि कश्मीर में 200 से 300 आतंकियों ने घुसपैठ की है। फारूक ने इसकी जाँच कराने की मांग की। आतंकी लोग ये पूछना चाहते हैं हो कैसे रहा, बटालियंस के बटालियंस लगाई हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए नेशन। फारूक ने इशारों इशारों में सेना पर सवाल उठाए। फारूक के इस बयान पर BJP अटैकिंग मोड में है। शर्मनाक बयान है जो कि लोगों को गुमराह करता है। आज जो फ्रस्ट्रेशन है वो खुल करके सामने आ रही है। इस सियासत के बीच जम्मू कश्मीर में सेना आतंक के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है, तो अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी आतंकियों की तलाश में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। नौशेरा सेक्टर में मॉडर्न तकनीक वाले उपकरणों से नजर रखी जा रही है। सूबे में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, ऐसे में आतंकी वारदात के बहाने सियासत भी हो रही है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस की बड़ी बैठक। मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। SC/ST आरक्षण के कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्टी का रुख तय करने और विधानसभा चुनाव में दलित वोटों पर दावेदारी मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 13 अगस्त यानी कल दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी महासचिव, राज्यों के प्रभारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। कांग्रेस SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर अपना विरोध जता चुकी है, लेकिन पार्टी की परेशानी कोटे में कोटा को लेकर है। पार्टी के दलित नेता कोटे में कोटा का विरोध कर रहे हैं, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर चुके हैं। बैठक में इस मुद्दे पर आम राय बनाने पर चर्चा होगी। कांग्रेस मुद्दे की जटिलता को सुलझाने के लिए दलित, आदिवासी और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही है, साथ ही पार्टी कानून विशेषज्ञों से भी राय ले रही है। SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस फिलहाल मंथन और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले पार्टी केंद्र सरकार के स्टैंड का इंतजार भी कर रही है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमों का ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुरू। पहले दिन हिंदू पक्ष की तरफ से वाद बिंदु पर कोर्ट को दिए गए प्रस्ताव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में पहले दिन उन बिंदुओं को तय किया गया जिन पर आगे सुनवाई होगी।
सुनवाई के पहले दिन हिंदू पक्षकारों ने 17 वाद बिंदु के लिए प्रस्ताव कोर्ट में दिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि उन्होंने जो भी वाद बिंदु दिए हैं वो सभी एविडेंशियल और तथ्यात्मक हैं। जो हमारे तथ्य हैं वो एविडेंस बेस्ड तथ्य हैं। वो तथ्य सूट का भी हिस्सा थे, वो तथ्य 7/11 की एप्लीकेशन का भी हिस्सा थे। सुनवाई में शाही ईदगाह कमेटी ने अपनी आपत्ति दाखिल की। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में दलील दी कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुकदमों का ट्रायल नहीं किया जाए। इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए ट्रायल चलता रहना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड पर बीजेपी। महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं के साथ भूपेंद्र यादव ने की बैठक। जल्द ही अमित शाह करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने मुंबई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष, महासचिव और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे पर चर्चा हुई। गृह मंत्री 16, 17 और 18 अगस्त को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। भूपेंद्र यादव 17 अगस्त से महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों का दौरा करेंगे। भूपेंद्र यादव जमीनी हकीकत को समझने और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को अभी से घेरना शुरू कर दिया है। शरद पवार जी को उद्धव ठाकरे का फेस मानने के जाहिर करें ना, ऐसा क्लियर, हमें अगला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानने। इस बीच सातारा में बीजेपी ने शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। सातारा के माणिकराव सोनवलकर अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी अब खुद को ग्राउंड पर मजबूत करना चाहती है, इसीलिए बीजेपी का फोकस अब संगठन को मजबूत करने पर है। जेल से बाहर आने के बाद एक्शन में मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल के घर विधायकों की बैठक ली। 14 अगस्त से निकालेंगे पदयात्रा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज मनीष सिसोदिया ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई, साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास के काम का अपडेट लिया गया। 9 अगस्त को जेल से बाहर निकलने के बाद से ही सिसोदिया लगातार एक्शन में है। 11 अगस्त को सिसोदिया ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। 12 अगस्त को पार्टी विधायकों के साथ सिसोदिया ने बैठक की। 13 अगस्त को मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। 14 अगस्त से सिसोदिया दिल्ली की पदयात्रा पर निकलेंगे। आने वाले समय में पार्टी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी, तो मनीष जी अब जनता के पास जाएंगे और जनता से बात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, प्यार देंगे। मुख्य प्रचारक सारे होंगे, केजरीवाल साहब आ जाएंगे तो वो रहेंगे, मनीष जी हैं, सारे लोग हैं, मैडम जा ही रही हैं, केजरीवाल मैडम जा रही है, संजय सिंह जी जा रहे हैं, वहाँ के लीडर्स जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आज मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात के बाद ये निर्देश जारी किया कि 15 अगस्त को मंत्री आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराएंगी। सिसोदिया के एक्शन से साफ है कि वो फिलहाल चुनावी तैयारी और पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। 6 महीने से बंद शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर। बॉर्डर के दोनों तरफ से एक एक लेन खोलने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की और कहा कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन, महिलाओं, छात्रों और स्थानीय लोगों के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर यात्रियों के लिए दोनों तरफ से एक एक लेन खोला जाए। कोर्ट ने इसके लिए हरियाणा और पंजाब के पुलिस अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर बैठक करने को कहा। मुझे लगता है कि हरियाणा और पंजाब की सरकार जनहित में, लोगों के हित में, जो लोग भुखमरी की कगार पर आ गए उनके हित में अपने DGPs को, SSP को ऑर्डर करेंगे। आंदोलन कर रहे किसानों से बात करने के लिए पंजाब और हरियाणा की सरकार ने निष्पक्ष कमेटी के सदस्यों के नाम कोर्ट को दिए हैं। कमेटी किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करेगी। अगर रास्ता खुलेगा तो ये अच्छी बात होगी, आम जनता उनको ये अच्छा लगे और हमें भी देश की राजधानी में जाकर अपना आंदोलन करने का हक प्राप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के बीच अगर शंभू बॉर्डर पर दोनों तरफ से एक एक लेन खोलने की सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यूपी के कन्नौज में दुष्कर्म के मामले में SP नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। सिर पर छोटे छोटे बाल, शरीर पर गहरे रंग की हाफ शर्ट,
पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा ये चेहरा नाबालिग से दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोपी है। नाम है नवाब सिंह। बताया जा रहा है कि डायल 112 पर पीड़ित की ओर से सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने देर रात नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बेहद करीबी बताया जाता है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ नवाब सिंह की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। बीते दो हफ्तों के भीतर दुष्कर्म का ये दूसरा मामला है जब समाजवादी पार्टी के किसी नेता की गिरफ्तारी हुई है। इससे पूर्व अयोध्या में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप को लेकर के सपा नेता मोहित खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने हालिया उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर सवाल खड़े किए और पूछा कि दिल्ली में साउथ अफ्रीका के भगौड़े के साथ सीक्रेट मीटिंग आखिर क्यों की। 9 अगस्त को उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे थे। दो दिन के दौरे में इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे के इसी दौरे को लेकर संजय निरुपम ने जोरदार अटैक किया है। जो उद्योगपति, जो क्रिमिनल है, जो आरोपी है, उससे उद्धव ठाकरे जी गुपचुप क्यों मिल रहे हैं, यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है। ये दो आरोपी है, इनमें से किससे मिले उद्धव जी, क्यों मिले, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ। निरुपम यही नहीं रुके, एक और बड़ा सवाल पूछा। तो क्या वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो फरार गुप्ता परिवार है उससे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए फंडिंग लेने के की कोई बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। दक्षिण अफ्रीका में अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले गुप्ता ब्रदर्स का लिंक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है। 1993 में तीनों भाई दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन पर अरबों की हेरा फेरी का आरोप है। सुब्रे सुले के व्हाट्सएप हैकिंग मामले में पुलिस को आरोपी की तलाश। सूत्रों का दावा, बिहार से हैक किया गया था एनसीपी नेताओं का व्हाट्सएप अकाउंट। सूत्रों के अनुसार एनसीपी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले के समेत पार्टी के 20 से ज्यादा पदाधिकारियों का व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया गया था। हैकर ने सुप्रिया सुले के अकाउंट से $400 की डिमांड की थी। हैकर ने एनसीपी शरद चंद्र पवार के पदाधिकारी के व्हाट्सएप अकाउंट से कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल भालकेश कुमार से पैसे मांगे थे। भालकेश कुमार से UPI के जरिए 15,000 से 20,000 रुपए की डिमांड की गई थी। सूत्रों का दावा है कि बिहार से एनसीपी नेताओं का अकाउंट हैक किया गया था। मेरे सब फोन यूजर्स को विनती है कि प्लीज बी केयरफुल, ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि 4 दिन पहले पुलिस को एक नोटिफिकेशन आया था कि ऐसा हैकिंग हो रहा है, आप ध्यान रखिए। सुप्रिया सुले ने 11 अगस्त को दोपहर 1 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना व्हाट्सएप हैक होने की जानकारी दी थी। हम तो जरूर थे, हमारे मोबाइल, हमारे अकाउंट हैक होते हैं, हम उनसे सामना कर रहे हैं, हमारे भी हो गए हैं, लेकिन हम चर्चा नहीं कर रहे। शाम 4:15 बजे उन्होंने व्हाट्सएप बहाल होने की जानकारी भी एक्स पर ही दी थी। चंद घंटों में सुप्रिया सुले का व्हाट्सएप अकाउंट बहाल हो गया, लेकिन चुनावी मौसम में हुए इस हैकिंग कांड से महाराष्ट्र में सियासी सवाल उठने लगे हैं। बिजनौर में एक महिला ने खुद को मदरसे की टीचर बताकर बच्ची को ठगा। कान की बालियां लेकर महिला रफू चक्कर। CCTV रिकॉर्ड फुटेज में दोपहर के 3:57 की तस्वीर पर गौर कीजिए। जैसे ही ज्वेलर्स एक कान से बाली निकालता है, बच्ची तुरंत अपने पीछे मुंह ढककर बैठी महिला को पकड़ा देती है। फिर इसके बाद ज्वेलर्स दूसरे कान की बाली निकालता है, बच्ची वो बाली भी पीछे बैठी महिला को पकड़ा देती है। इसके बाद दोनों ज्वेलर्स की दुकान से चले जाते हैं। अब इस मामले में बच्ची के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है कि बाली लेने वाली महिला थक थी और उसने खुद को मदरसे की टीचर बताकर बच्ची से उसके कान की बालियाँ ठग ली। मामला बिजनौर के नेहटोर थाने का है। CCTV फुटेज में महिला को सड़क पर बच्ची के साथ देखा गया, लेकिन बालियां लेने के बाद महिला कहां गई अब तक पता नहीं चल सका है। पुणे एयरपोर्ट पर फर्जी टिकट के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। फर्जी टिकट के सहारे लखनऊ जाना चाहता था आरोपी। 27 साल का सलीम खान ये वही व्यक्ति है जो फर्जी टिकट के सहारे पुणे से लखनऊ उड़ान भरने की फिराक में था। संदिग्ध फर्जी टिकट लेकर इंडिगो के विमान से लखनऊ जाने के लिए एयरपोर्ट के अंदर घुसा था। इसके पहले कि वो फ्लाइट में घुस पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सलीम अपने पिता के साथ लखनऊ जाने के लिए पुणे एयरपोर्ट पहुंचा था। सलीम के पास फर्जी टिकट था। पुलिस सलीम के बैकग्राउंड की जांच कर रही है।
पुलिस जांच कर रही है कि कहीं सलीम के तार किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए हैं। पुलिस ने फर्जी एयर टिकट तैयार करने में मदद करने वाले ट्रेवल एजेंट नसरुद्दीन खान के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ट्रेवल एजेंट यूपी के श्रावस्ती जिले का रहने वाला है। पुलिस सलीम से पूछताछ कर और जानकारी जुटा रही है। बिहार के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में हुई भगदड़ में 8 की गई जान। चश्मदीदों ने कहा, धक्का मुक्की और पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से मची भगदड़। जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में हुई भगदड़ में घायल लोगों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों ने बताया कि जलाभिषेक के लिए लंबी लाइन लगी थी। इस दौरान श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की हुई। विवाद के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भगदड़ मच गई। पुलिस तो सब सोए हुए थे और जो माइक में अनाउंस करते रहते हैं वो लोग भी सोए हुए थे, कोई नहीं थे वहाँ। पुलिस नहीं, पीछे खाली आए पुलिस। हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। चश्मदीदों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोग बता रहे हैं कि यहाँ पुलिस कम थी, भीड़ ज्यादा थी, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह नहीं थी। प्रशासन की लापरवाही थी, इसे जाम नहीं था। लाठी चार्ज जब आदमी धसरा धसरी हो गया ना, गिरने लगा ना, तो लाठी चार्ज होने ना। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के घर वालों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। वहीं आरजेडी ने 25 लाख मुआवजे की मांग की है। ये पूरी तरह जिला प्रशासन का फेलियर है। सभी आश्रितों को हम 25-25 लाख रुपए मुआवजा की मांग करते हैं। आरजेडी ने हादसे की जांच के लिए टीम भेजने का ऐलान भी किया है। आरजेडी मांग कर रही है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। टीवी न्यूज इंडस्ट्री में फिर से बजा एबीपी न्यूज का डंका। आप तक सबसे सटीक खबरें पहुंचाने वाले एबीपी न्यूज के 3 युवा पत्रकारों को मिला 40 Under 40 अवार्ड। हमारे अगले विजेता हैं जनेंद्र कुमार, एबीपी नेटवर्क। न्यूज इंडस्ट्री के 40 युवा पत्रकारों को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया। रिपोर्टर जैनेन्द्र कुमार, एंकर अवधेश मिश्र और न्यूज प्रोड्यूसर रश्मि निषाद को इस अवार्ड से नवाजा गया है। इस लिस्ट में मीडिया जगत से जुड़े 40 से कम उम्र वाले पत्रकारों को शामिल किया जाता है। जैनेन्द्र कुमार पिछले 10 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं और फील्ड रिपोर्टिंग में उनका बड़ा नाम है। रश्मि निषाद पिछले 17 सालों से एबीपी न्यूज के न्यूज रूम का हिस्सा है और अवधेश मिश्र के पास एंकरिंग के साथ साथ फील्ड रिपोर्टिंग का भी लंबा अनुभव है। जुरू में समाज के अलग अलग प्रतिष्ठित लोग विजेताओं का चयन करते हैं, जिसमें उल्लेखनीय योगदान, इंडस्ट्री में आपका काम और इसके अलावा नेतृत्व कौशल को ध्यान में रखा जाता है। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज इतना ही। कल रात 9:38 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी।